इधर ध्यान देंगे आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपना पोषण ट्रेनिंग जो सेशन है उसमें। मैं सीएससी से भीम सिंह सैनी बीएलई, ठीक है, आपका यहाँ ट्रेनिंग सेशन में सभी का स्वागत करता हूँ। और आप अपना एंड्रॉयड सेलफोन में जो जीपीआरएस है वो ऑन कर लेंगे और अपना एंड्रॉयड सेलफोन बाहर निकाल लेंगे आप सब। लो सब में अपना ट्रेनिंग सेशन में ये चीज़ ध्यान देंगे। देखो अपना जो पोषण ट्रैकर जो प्रोसेस फॉलो जो वर्जन रहेगा वो है 2.0 डाउनलोड कर रखा है सबने अपने सेलफोन में। तो देखो यहाँ अपन प्रोसेस समझते हैं, सबसे पहले डाउनलोड किस तरीके से करते हैं। ये चरण आपने किए हुए हैं, अपने सेलफोन में प्रोसेस किया हुआ है। देखो सबसे पहला अपना यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं अपन, और गूगल प्ले स्टोर में अपन यहाँ पर टाइप करते हैं पोषण ट्रैकर, ठीक है। जैसे अपन पोषण ट्रैकर और ऐप यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ऐसा चित्र बना हुआ दिखाई देता है ना अपन को गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ अपन क्या करते हैं प्रेस करते हैं अंगुली, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं अपन। क्लिक करते ही जैसे अपन यहाँ पर क्लिक किया तो ऐसा आपको विंडो दिखाई देता है, दिखता है अपन, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा इंस्टॉल ऑप्शन आता है ना ग्रीन कलर में, वहाँ अपन को दबाना होता है। जैसे अपने प्रेस किया यहाँ पर इंस्टॉल बटन के ऊपर, नेक्स्ट प्रोसेस अपना आगे बढ़ेगा। प्रोसेस अपना यहाँ पर आगे हुआ और 100% तक होता है और उसके बाद इंस्टॉल हो जाता है अपने सेलफोन में। और अपना खुद का मोबाइल नंबर टाइप किया, ठीक है जी। जैसे अपने खुद का नंबर टाइप किया और नीचे अपने पासवर्ड आते हैं 4 अंकों के टाइप किया था ना अपने, वो टाइप करने के बाद जैसे अपन यहाँ पर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आगे ऑप्शन ओपन होता है जिसमें अपन को एम पिन, मोबाइल के जो पिन आते हैं अपन को 4 नंबर के जो पासवर्ड बनाए था आपने, यदि कोई भूल भी जाता है तो नीचे ऑप्शन आता है अपना फॉरगेट, वहाँ से जाकर अपन फॉरगेट भी कर सकते हैं पासवर्ड को, नए पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर अपन ने जैसे ही किसी भैया ने यहाँ पर फॉरगेट किया हो तो यहाँ पर लॉगिन योर अकाउंट्स ऑप्शन आता है, यहाँ पर अपन को टाइप करना होता है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके विभाग से रजिस्टर्ड हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। और टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ एंटर लॉगिन जो पासवर्ड है आपके 4 अंकों के वो टाइप करने होंगे। टाइप करने के बाद अपन को यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे अपन ने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया और अपना ऐप यहां पर लॉगिन हो जाता है, देखो यहां पर सक्सेसफुल लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। अब यहां से यदि आप लैंग्वेज भी चेंज करना चाहें तो यहां ऑप्शन आता है, देखो एक तो ए बना होगा और इंग्लिश में ए आ रहा है, देखना सभी अपने सेलफोन में। अब देखो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है प्रेग्नेंट वुमेन्स आ रहा है ऑप्शन, गर्भवती महिलाएं हिंदी में दिख रहा है सभी को आपको, तो यहाँ आप सभी क्लिक करेंगे, आप सेल फोन निकालेंगे सबसे पहले और यहाँ इस तरीके से स्क्रीन दिखाएंगे, आपने ओपन नहीं किया है, सभी अपना सेल फोन ऊपर करो। अब देखो यदि आपने डाटा फीड कर रखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नंबर संख्या दिखाई देंगी। देखो इनमें हमने 3 का डाटा ऐड कर रखा है तो यहाँ पर अपन को नंबर संख्या दिखाई दे रही है, ठीक है। और इससे बैक अपन जा रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं तो देखो गर्भवती महिलाएं, तो आपको कॉर्नर के ऊपर 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो जैसे आगे नंबर संख्या सबके सामने अलग अलग आ रही है, आपने जितना डाटा फीड कर रखा है वो डाटा संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपके देखो विभाग वाले फ़ोन करते हैं कि भाई अपने यहाँ पर जो महिलाएँ हैं फिर 0 से 6 तक वाले बच्चे आपके कितने हैं, तो आप ये पोर्टल के ऊपर देख लेंगे तो यहाँ पर जैसे 0 से 6 वाले 10 बच्चे हैं, ठीक है, नंबर संख्या अपन को सबको दिखाई दे रही है। प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑप्शन आ रहा है, जैसे अपन ने दबाया यहां पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहां पर लाभार्थी जोड़े ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लाभार्थी जोड़े ऑप्शन को जैसे अपन ने यहां पर दबाया तो एक फॉर्म ओपन होके आया आपके सामने। अब आपके आसपास जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका डाटा आपको यहां पर ऐड करना है, जोड़ना है सबको। यहां पर जोड़ने के लिए देखो सबसे पहले आ रहा है यहां पर लाभार्थी का नाम, दिख रहा है सबको, क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, शाबाश लाभार्थी का नाम, और उसके जस्ट नीचे आ रहा है पति का नाम, लिखेंगे अपन सभी, ठीक है। और आगे आ रहा है अपना आधार नंबर संख्या,
ये आधार संख्या किसका होगा? महिला का ऐड होगा, ये ध्यान रखना। जो NDHM जो ID होती है आपकी सभी की होती है, स्वस्थ ID, वो आपको यहाँ पर लिखना है सबको जी। और देखो यहाँ पर जो जन्म की तारीख, ये महिला की तारीख लिखना है आपको, यहाँ पर लिख देंगे सभी। जो भी अपने उसके फैमिली के किसी भी मेंबर्स के मोबाइल नंबर अपन को मिले हैं तो वो अपन को यहाँ पर टाइप करना है। जरूरी नहीं है कि उसी महिला के मोबाइल नंबर हो, कोई भी हो फैमिली में होनी चाहिए, ठीक है जी। अपन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे अपन यहाँ पर टाइप कर दिया, सेलेक्ट कर दिया जैसे 3 मंथ। अब देखो यहाँ पर क्या यह है आपकी पहली वो है, जैसे प्रेग्नेंट है तो अपन को यहाँ पर हाँ, या फिर इससे पहले भी वो बच्चा है तो अपन को यहाँ पर ना, ठीक है जी। या फिर उससे पहले देखो यहाँ पर है क्या पहले गर्भपात हुआ है, कोई भी जैसे प्रॉब्लम्स हुई हो तो हुआ है तो अपन को हाँ या ना है तो नहीं। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर डेट भी लिखेंगे अपन, ठीक है जी। उससे पहले अपन को जो प्रेग्नेंट हुई है या फिर कोई गर्भपात हुआ है तो वो अपन को यहाँ पर डेट लिखने के बाद अपन को यहाँ पर सबमिट, जैसे ही सबमिट अपन कर देंगे तो अपना डाटा यहाँ पर दिखाई देगा, शो कर देगा, ठीक है जी। अब एक चीज़ ये भी है, अपन यहाँ पर इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं कि भी मोबाइल नंबर गलत हो गई, ठीक है जी। नाम के आगे अपन ने देवी नहीं लगाया, ठीक है, वो चेंज करना है तो देखो नाम के जस्ट आगे 3 डॉट बने हुए हैं, बन रहे हैं ना, यहाँ पर अपन को दबाना है, दबाइए आप सभी। तो दबाया तो नीचे देखो प्रोफाइल अपडेट करें, आ रहे अपडेट योर प्रोफाइल ऑप्शन आएगा यहाँ इंग्लिश में, तो यहाँ पर हिंदी में आप समझ रहे हो तो प्रोफाइल अपडेट करें, दबाए आप सभी, दबाया। जो महिला का अपन ने डाटा ऐड कर रखा है उसका पूरा जो फॉर्म अपन ने भरा था वो दिखाई दे रहा है सबको, गलत हो जाए पूरा ही, और वो आप उसको क्या करना चाहो, डिलीट करना चाहो, ठीक है, होता है ना। तो यहाँ देखो एक ऑप्शन आया है गर्भपात, गर्भपात ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप निशान लगा देंगे और माइग्रेट ऑप्शन चालू हो गया, ओपन किया 3 स्टार के ऊपर आ गया, और प्रोफाइल अपडेट्स करेंगे नीचे आ रहा है माइग्रेट प्रोफाइल्स, आ रहे हैं ना, यहाँ आप दबाएंगे सभी माइग्रेट प्रोफाइल्स के ऊपर, अपन ने दबाए तो यहाँ पर एक फोरम ओपन हुआ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गर्भपात दिख रहा है, उसके आगे अपन को देखो एक टिक बन रहा है, यहाँ पर अपन को दबा देना बस, वो हरा कलर का दिखाई देने लग जाएगा आप सभी को, ग्रीन कलर में शो कर रहा है आपको। आप देखो यहाँ पर माइग्रेट ऑप्शन आ रहा है नीचे रेड कलर में, देखो एक पट्टी से बन गई ना यहाँ पर, यहाँ पर आपको दबा देना है और यहाँ ठीक कर देना है बस। आप देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है माइग्रेट योर प्रोफाइल से माइग्रेट हो सक्सेसफुल, मतलब। और अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पोषण स्तर, आ रहा है, क्लिक करो सभी। अब देखो यहाँ पर अपन ने दबाया तो उस बच्चे जो भी है उसका ह्यूमंस का डाटा एंटर होगा, जो प्रेग्नेंट ह्यूमंस है। अब देखो यहाँ पर उसका हाइट, ठीक है जी, उसकी ऊंचाई कितना है उसको आपको स्तर को नापेगा, और नीचे देखो आपको इस फोरम के नीचे दिखाई दे रहा है, क्या शो कर रहा है, हिंट दे रहा है आपको कि भैया इस यहाँ से लेकर यहाँ तक करेक्ट एरिया तक उसके लंबाई का स्तर हो सकता है। देखो लंबाई का स्तर आपको बता रहा है 76.2 से 304.8 सेमी, ये सेंटर मीटर में डाटा एंटर करना है आपको सीधा, इसी फोरम के जस्ट नीचे देखो सबकी भी शो कर रहा है। आपको यदि पता भी नहीं है देखो यहाँ पर इधर ध्यान देंगे, पहले आप बातें करते हैं, बातें कोई नहीं करेगी, ध्यान से देखेंगे इधर। देखो ये प्रोफाइल अपडेट में चले गए अपन, देख लिया माइग्रेट प्रोफाइल में भी देख लिया, तीसरा ऑप्शन आता है जानकारी एंटर करें 8 सेमी, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह आपको बता दिया कि इसके बीच में यदि है तो आप देख लीजिए, टाइप कर दीजिए आप। पहले तो महिला आई है तो उसका लंबाई इस तरह आपको यहाँ पर दे रखा है, सेंटीमीटर मीटर दे रखा है, नाप लेंगे उसका और यहाँ पर टाइप कर देंगे, क्लियर। आप देखो उसका वजन भी देखो यहाँ पर 30 किलो से 300 किलोग्राम, ठीक है जी, वो इसमें वजन होना चाहिए इसके करेक्ट एरिया में। अब इसी के जस्ट आगे हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 5 से 30, ठीक है जी, टाइप कर देंगे। अब जैसे आपने टाइप किया तो यहां पर नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट, जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो उस महिला की ये जो आपने टाइप किया डाटा, उसका हाइट, ठीक है, वजन, हीमोग्लोबिन,
ठीक है जी, वो इसमें ऐड हो जाएगा। कर दिया, क्लियर? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट, आगे इस दर पे चलते हैं अपन। पोषक आपूर्ति आ रहा है जस्ट नीचे, यहां क्लिक कर देंगे आप सभी। अब देखो यहां पर एक पूछ रहा है, यहां पर क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है? जैसे आयरन की टैबलेट्स देते हो आप, विटामिन्स की देते हो, कैल्शियम्स की देते हो, देते हैं ना, तो आपने दी है, तो यहां पर क्या करेंगे, सही का चेक मार्क लगा देंगे अपन। जिस ऑप्शन को चूज किया उसी के आगे क्या बन जाएगा, सही का चेक मार्क बन गया। ठीक है जी, आपने ये टैबलेट्स को दी है तो अपन यहां पर चेक मार्क लगा देंगे। अब देखो ऊर्जा का सेवन क्या है, कैलोरी, एक दिन में कितनी कैलोरी लेते हैं? जैसे दो रोटी खाते हैं तो उसका अलग कैलोरी जाता है। ठीक है जी, ये चीजें आपको मिल जाएगा, आप भरते भी होंगे। अब देखो यहां पर एक ऑप्शन और आ रहा है, क्या आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही हैं? आयुर्वेदिक टैबलेट्स दे रही हैं, होम्योपैथिक दे रहे हैं, या फिर आयुर्वेदिक दे रहे हैं? तो यहां पर अपन क्लिक कर दें। नीचे आ रहा है टीकाकरण, बैक चले जाओ, यहां से बैक चले जाओ, वापस अपन थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके टीकाकरण। ठीक है जी, यहां पर जैसे कोविड का टीका लगाए उनको, नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। यदि लगाए है तो यहां पर सही का निशान लगाएंगे, डेट टाइप करेंगे। ठीक है जी, उसको किस तारीख को ये टीका एड लगा है उसको, वो तारीख यहां पर डेट टाइप कर देंगे। क्लियर? अब देखो लाभार्थी जोड़े में कोई प्रॉब्लम आपको, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसका डाटा आप टाइप कर रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स? आगे जो अपन ने ऑप्शन ओपन किए कि उसका जैसे वजन कितना है, हाइट कितना है, वो भी टाइप कर देंगे सभी। ठीक है, वो जैसे कैलोरी कितनी ले रही है, टैबलेट्स आप उसको क्या क्या उपलब्ध करा रहे हो, टेक टू होम जो राशन उसको प्राप्त हुआ है वो आप दे रहे हो, फिल कर देंगे सभी डाटा, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होता है अपना। देखो आप पीछे जाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन्स आ रही थी ना, यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की सूची, उसके जस्ट आगे की तीर का निशान बना हुआ है यहाँ, इसको दबा देंगे अपन। जैसे ही दबाए तो वापस फर्स्ट वाले होम पेज के ऊपर आ जाएंगे अपन। आ गए अपन, अब सेकंड अपना ऑप्शन आता है यहाँ पर, देखो स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती है उनका डाटा अपन को ऐड करना है। ठीक है जी, ओपन हुआ सभी का, दिखाएं सभी अपना सेल फोन, शाबाश, सही है। आपने ऐड ही नहीं कर रखा कभी, अपने आप चेंज नहीं होता है। हाँ सही है, सर को दिखाओ एक बार ऐसे। अब चलो इस ऑप्शन को अपन देखो यहां पर ऐड कर रखा है, जैसे इन्होंने 12 महिलाओं का डाटा ऐड कर रखा है, यहां पर लिस्ट सूची में आपको वो सभी महिलाएं दिखाई देंगी, दिख रही है सभी? ठीक है जी, अब यदि अपन को यहां पर और जोड़ना है तो यहां पर आता है अपन का लाभार्थी जोड़े, ऐड टू बेनिफिशियरी, क्लिक कर देंगे। क्लिक किया अपन ने, जैसे अपन ने अभी फॉर्म भरा था वैसा ही एक फॉर्म और ओपन हो गया, यहां पर भी अपन को टाइप करना है। सबसे पहला ऑप्शन आता है यहां लाभार्थी का नाम, ठीक है, उसके पति का नाम, उसकी आधार नंबर संख्या, ठीक है, वही अपन को स्वास्थ्य आईडी अपन को टाइप करनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, टोटल कितने साल के हो गए, टोटल साल अपन को टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, डिलीवरी की तारीख, ठीक है जी, वो अपन को ऐड करना है, और बच्चा जो जैसे उसका लड़का हुआ है या लड़की हुई है, ठीक है जी, उन ऑप्शन के ऊपर निशान लगा के अपन को क्या करना है, सबमिट। सबमिट करते ही जैसे अपन को यहाँ पर एक यहाँ पर लिस्ट में उसका नाम ऐड हो जाएगा, जुड़ गया। अब देखो आपसे कोई डाटा भरने में वही कोई प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर अपन को इसको और अपन को डाटा ऐड करना है, तो इसके जो नाम के जस्ट आगे तीन डॉट बने हुए हैं वो दबाएंगे अपन, यहाँ दबाया तो दबाते एक और लिस्ट नीचे ओपन हो गया, इसमें आ रहा है सबसे पहला प्रोफाइल एंटर करें या अपडेट करें, ठीक है, लाभार्थी का नाम, जैसे मैंने आपको बताया गीता गीता लिख रखा है, सिर्फ गीता देवी होगा, ठीक है जी, ये जरूर लगाएं आप, देवी वगैरह जो है तो लगाएं। पति के नाम के आगे जैसे विक्रम भर रखा है, विक्रम सैनी हो, यादव हो, जो भी है कास्ट नेम, वो भी अपन टाइप करें, आधार कार्ड से ले लो या फिर उनका नाम पूछ लो पूरा। अब देखो यहां पर शो कर रहा है स्वास्थ्य आईडी आ रहा है,
वो अपन टाइप करेंगे। आगे क्या ऑप्शन पूछ रहा है बताओ सभी। जन्म की तारीख, शाबाश। नेक्स्ट जी, आगे सभी एक साथ बोलेंगे मोबाइल नंबर। आगे नेक्स्ट, और एक ऑप्शन और आ रहे हैं यहाँ पर, क्या लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, हो गई है, तो यहाँ पर निशान लगा के अपन सबमिट कर देंगे। ठीक है जी,